लास्ट लेक्चर में हमने यंग स्टेम ऑफ साइकस की बात करी थी, आज हम करने वाले हैं ओल्ड स्टेम ऑफ साइकस। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आपको मालूम है जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो पहले से ही इरेगुलर थी, वो रप्चर्ड हो जाती है और रप्चर्ड हो करके कॉर कैम्बियम बना लेती है। ठीक है, तो अभी हम पहले सेंटर की बात करते हैं कि यूजुअली सेकेंडरी ग्रोथ हो कैसी रही है, क्योंकि आपको ये भी मैंने बताया था कि डाइकॉट स्टेम की तरह ही होती है, डाइकॉट स्टेम की तरह ही नॉर्मल इसकी यंग स्टेम साइकस की होती है। ठीक है, तो जब भी हम अब इसकी बात करेंगे कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो कैसी रही, तो जाहिर सी बात है ये भी डाइकॉट स्टेम की तरह ही होती होगी। ठीक, तो नॉर्मल जैसे अगर हम एक पर्टिकुलर ये मान लेते हैं कि इस पेरीफरी पर मतलब कि रेडियली अरेंज रहते हैं, ठीक है, सारे के सारे वेस्कुलर बंडल्स रेडियली अरेंज हैं, रेडियली अरेंज हैं, दैट मीन्स सपोज ये है कंडीशन, ठीक, कंजॉइंट कोलेट्रल एंड आर्क ओपन टाइप, राइट। जब इन्हें सेकेंडरी ग्रोथ करनी होती है उस दौरान क्या होता है कि ये जो केम्बियम रिंग है, केम्बियम रिंग नहीं बनती, एक्चुअल में केम्बियम है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आउटर साइड फ्लोएम रहेगा बिटवीन फ्लोएम एंड दिस वन द जाइलम, एंड डार्क कंडीशन दैट मीन्स प्रोटोजाइलम इन द सेंटर, मेटाजाइलम या मैच्योर जाइलम इज़ द आउटसाइड, या फिर मैच्योर जाइलम इज टूवर्ड्स द पेरीफरी एंड जो यंग प्रोटो यंग या फिर प्रोटोजाइलम जो रहेगा वो टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो इसको मैंने प्रोटोजाइलम लिखा एंड दिस वन मेटाजाइलम, लेबलिंग करते चलिएगा साथ साथ में, एंड बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम देयर इज अ केम्बियम रिंग, देयर इज अ केम्बियम रिंग, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया केम्बियम रिंग। ठीक है, तो अभी जब ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, ठीक है, तो नॉर्मल रूट की तरह नॉर्मल स्टेम की तरह ही इसका स्ट्रक्चर है। होता क्या है कि जब कभी दीज आर दी वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, तो यही सेम कंडीशन सभी में होगी, दीज आर द फ्लोएम, ठीक है, कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन टाइम, जब कभी जो प्लांट होता है उसको सेकेंडरी ग्रोथ करनी होती है तो होगा क्या कि ये जो केम्बियम थी वो एक्टिव हो जाती है, एंड आपको यूँ भी मालूम है कि ये मेरिस्टमैटिक की तरह मतलब परमानेंट होते हुए भी मेरिस्टमैटिक सेल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो केम्बियम जब एक्टिव हो जाती है उसमें डिवीजन कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, तो इसको बोलते हैं क्योंकि ये दोनों के बीच में यानी कि एन साइड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम है, तो इसको बोल देते हैं इंट्राफेसिकुलर। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंट्राफेसिकुलर, क्योंकि बिटवीन टू की बात हो रही है, मतलब सॉरी इनसाइड की बात हो रही है, इसलिए इंट्राफेसिकुलर केम्बियम कहेंगे। ठीक है, फिर क्योंकि अब धीरे धीरे ग्रो करेगी, डिवीजन करेगी ऑफ कोर्स, ठीक है, तो डिवीजन करने से क्या होगा, इसका स्पेस और डायमीटर बढ़ेगा। ठीक, तो उससे क्या होगा कि यही इंटर और यहाँ धीरे धीरे ये वाला जो रीज़न है मेडुलरी रेस का, वहाँ पर भी केम्बियम की एक्टिविटी देखने मिलती है। ठीक है, तो केम्बियम रीजन धीरे धीरे जब एक्टिव होगा तो होगा क्या कि ये सारी ही सेल्स मतलब कि जितने भी वेस्कुलर बंडल्स हैं उनमें सभी में यही इंट्राफेसिकुलर केम्बियम एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होता है कि इनके दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो रीज़न है उस केम्बियम रिंग को पहले उस केम्बियम रिंग को वहाँ का रीज़न भी मेरिस्टमैटिक हो जाता है और ये बनाते हैं इंटरफेसिकुलर केम्बियम। क्या बनाएंगे, इंटरफेसिकुलर केम्बियम। ठीक है, इंटरफेसिकुलर केम्बियम। अब क्या होगा कि इंटरफेसिकुलर केम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर केम्बियम धीरे धीरे मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी की तरह ग्रो करते हैं और ग्रो करके धीरे धीरे जब बढ़ेंगे डायमीटर में ऑफकोर्स बढ़ेंगे, क्योंकि ये टीएस है इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक, तो ये क्या करेंगे, एक कंप्लीट रिंग बना लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट रिंग बना लेते हैं और उससे होगा क्या, इस कंप्लीट यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है, ताकि लेबलिंग में आसानी हो जाए इसलिए नहीं बनाया। तो ये कंप्लीट रिंग बनाने के बाद में क्या होगा कि हर टाइम अब जब इसमें डिवीजन ये जब कंप्लीट केम्बियम रिंग बन जाती है तो जब भी ये डिवाइड करेगी तो क्या करेगी, इनसाइड जाइलम कट करेगी, आउटसाइड फ्लोएम कट करेगी। ठीक है, फिर जाइलम कट करेगी, फिर
आउटसाइड फ्लोएम कट करेगी। तो इस तरह से क्या होता है कि सेकेंडरी जाइलम बन जाता है, सेकेंडरी जाइलम फॉर्म हो जाएगा और सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स जब भी ये जितनी बार कट करेगी सेल डिवाइड करेगी, कैम्बियम की ये जो रिंग है डिवाइड करेगी, तो ऑफकोर्स फर्स्ट वाली यहाँ पे बनी, फिर उसके बाद सेकेंड वाला जब रिंग एक्टिवेट होगा तो वो इनसाइड आएगा, थर्ड वाला उसके इनसाइड आएगा, इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो अभी ये क्या होता है कि ये वाला जो रीज़न है यहाँ पर सारी की सारी जाइलम सेल्स आपको ऐसे दिखेंगी, ठीक है, ये वाली, और बल्कि ऐसे ऐसे आपको रिंग्स के फॉर्म में दिखने लगती हैं, दीज आर दी, और वो बताती हैं कि इतनी बार इसमें डिवीजन हो चुका है। एक ख़ास बात क्या होती है कि ये जो प्राइमरी फ्लोएम होता है ये क्रस्ट फॉर्म में, क्योंकि यहाँ का ये वाला स्पेस तो सेकेंडरी फ्लोएम ले लेता है, बार बार लेता रहता है और इसको पेरीफेरी की तरफ ढकेलता रहता है, जिससे होगा क्या कि ये जो प्राइमरी फ्लोएम था वो पूरा क्रस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या ये कहें कि केवल ट्रेसेस, यहाँ पे सॉरी दिख नहीं रहा है आपको, ये जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो केवल क्रस्ट फॉर्म में बचता है, ठीक है, क्रस्ट फॉर्म में, या कहें कि पैचेस के फॉर्म में रह जाता है, एंड रेस्ट ऑफ दी जो भी पोर्शन है, ठीक है, कॉर्टिकल रीजन का, वो सारा का सारा कौन, जाइलम एंड फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम कवर्ड कर लेता है, और इस तरह से मजबूत, मतलब कि जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वो बेसिकली उसको क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, तो स्टेम हमें वैसा मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ओल्ड स्टेम की, कैसे ओल्ड स्टेम की बात करें, ओल्ड स्टेम भी नहीं बल्कि आप यही कहिएगा कि ये सेकेंडरी ग्रोथ हो, सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ, सेकेंडरी ग्रोथ इन, सेकेंडरी ग्रोथ इन साइकस, ठीक है, ये आप ये भी कॉपी में पेन डाउन कर लेना, ग्रोथ इन साइकस, मैंने नोट्स भेज दिए हैं उसको आप देख करके, ये तो समझाने के तौर के लिए था, ठीक है, बाकी चीज़ें कॉपी कर लीजिएगा। थैंक्स टू एवरीवन, आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट लगता है तो चाहे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक, थैंक्स टू एवरीवन, बाय बाय।